आपका स्वागत है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और ACC गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। क्या कमाल दिखा पाएगी आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में, जानिए हमारी विशेष रिपोर्ट। मंडी नागरिक अधिकार मंच और मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा मेले के मुद्दे पर आमने सामने, हरमीत और लक्ष्मिंदर जमकर बरसे एक दूसरे पर। पंचवक्तर के पास बनी झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे पढ़ रहे हैं टॉर्च और मोमबत्तियों की रोशनी में, आज दिन तक नहीं मिल पाई बिजली। और इंदिरा मार्केट के प्रधान पद के चुनाव हुए संपन्न, भगवंत सिंह 218 वोटों के साथ चुने गए प्रधान। अभी कुछ दिन पहले मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने DC मंडी देवेश कुमार को शिवरात्रि मेला आयोजन पर एक स्मृति चिन्ह और फूल भेंट कर सम्मानित किया था। उस मामले ने तुल पकड़ लिया है और अब मंडी नागरिक अधिकार मंच के संयोजक हरमीत सिंह बिट्टू ने उस सम्मान दिए जाने के औचित्य पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर संघर्ष मोर्चा के लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने सम्मान दिए जाने वाली बात का बचाव करते हुए नागरिक अधिकार मंच पर पलटवार किया है। मंडी नागरिक अधिकार मंच और मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा, ये दोनों संगठन मंडी के लोगों की समस्याओं को उठाने और उनके हल के लिए एक आंदोलन की तरह शुरू किए गए थे। लेकिन आज आलम यह है कि मंडी की समस्याओं को मजबूती के साथ उठाने वाले ये दोनों संगठन आज आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। मामले को भड़काने का काम किया है DC मंडी को मेले के आयोजन पर सम्मानित किए जाने वाली घटना ने। आइए सुनते हैं क्या कहना है नागरिक अधिकार मंच के हरमीत सिंह बिट्टू का। उसमें विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं लोगों द्वारा दी जा रही हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की प्रतिक्रियाएं इस बात को लेके हैं कि वहाँ पर इस बार व्यवस्था जो थी वो उत्तम नहीं थी किसी भी संदर्भ में। कुछ संगठन प्रशासन को शिवरात्रि मेला के सफल आयोजन के लिए सम्मानित भी करते नजर आ रहे हैं, तो हमें नहीं समझ आता ये चीज़ प्रशासन के उनके रवैये पे प्रश्न चिन्ह लगाती है। वही लोग कुछ दिनों पहले प्रशासन द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों की विरोध प्रकट करते थे उनके बारे में, उनके खिलाफ खड़े हुए थे, और आज अचानक उनको प्रशासन के प्रति ये लगाव उनका समझ से बाहर है। उनके विरोधाभासी बयानों की वजह से, उनके विभाजित सोच की वजह से और उनके क्रियाकलापों की वजह से। वहीं इस बात पर संघर्ष मोर्चा के लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने कहा कि डीसी मंडी को उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है और उन्हें उनकी कार्यशैली के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सम्मानित कर चुके हैं। खबर लगी है कि माननीय उपायुक्त श्री देवेश कुमार जी को मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा की हैसियत में एक अध्यक्ष पद रखते हुए हमने सम्मानित किया। इस सम्मान को लेकर जो प्रश्न चिन्ह माननीय उपायुक्त के ऊपर जो लगाया गया है, ये सरासर गलत है और निराधार है, क्योंकि मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने ही माननीय उपायुक्त श्री देवेश कुमार जी को सम्मानित नहीं किया है। माननीय उपायुक्त श्री देवेश कुमार जी को हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी सम्मानित किया हुआ है। हरमीत सिंह बिट्टू ने लक्ष्मेंद्र से सवाल किया कि क्या डीसी मंडी को सम्मान देने से पहले किसी संगठन या लोगों की राय ली गई थी। क्या वो खुद से जो भी निर्णय ले लेते हैं उसको वो अंतिम निर्णय मान लेते हैं? जैसे उन्होंने कह दिया कि ये सफल आयोजन था इसलिए सम्मानित कर दिया गया, क्या उन्होंने किसी से इसके बारे में राय ली? क्या जो लोग वहाँ भुगत भोगी थे क्या उनसे संवाद बनाया? क्या माना जाए उनकी मानसिकता के पीछे क्या वजह रही होगी? क्या वो प्रशासन के साथ चापलूसी वाला रवैया अपनाते हैं? जब उनका कोई कार्य नहीं है तो प्रशासन के खिलाफ खड़े नजर आते हैं, तो ऐसे विरोधाभासी बयानों की वजह से या ऐसे विरोधाभासी कार्यों की वजह से जो है वो उनकी अपनी एक जो छवि है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बाकी ये मेला कैसा रहा है इसके बारे में मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है।
वहीं लक्ष्मेंद्र गुलेरिया का कहना है कि डीसी मंडी को मेले के सफल आयोजन के लिए सम्मान दिया गया है, क्योंकि इस बार मेले के दौरान बिजली पानी जैसी कोई भी समस्या सामने नहीं आई। उस विकास कार्य को देखते हुए और एक सफल आयोजन के लिए, क्योंकि हमारे मंडी में जब जब भी मेले हुए हैं तब तक यातायात की समस्या बढ़ी हुई है, हमारे पानी की समस्या भी होती थी वो भी नहीं हुई, बिजली की समस्या होती थी वो भी इस बार नहीं हुई। एज ए ओवरऑल जो है मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा की इकाई ने इनको सम्मानित किया। इसमें जो बात मेरे स्वभाव को और हमारी जो कार्य दिशा को लेकर के की जाती है, क्योंकि हम लोग तभी वचनबद्ध होते हैं जब जनता हमारे बीच में किसी भी समस्या को लेकर के आती है। आज जब मंडी अधिकार मंच के द्वारा जब ये दोषारोपण लगाया जा रहा है कि जो भी सम्मान किसी कर्मचारी को दिया गया वो गलत है, तो मैं ये पूछता हूँ कि किसी भी अधिकारी को या किसी भी राजनेता को जब सम्मानित किया जाता है उस सम्मानित करने के लिए उसकी प्रासंगिकता नहीं देखी जाती है, बल्कि उसके कार्य करने की उसकी गुडविल को नियत को देखा जाता है। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा पर प्रहार करते हुए हरमीत सिंह ने कहा कि कई बार संघर्ष मोर्चा के लोग प्रशासन के जनहित के कार्यों के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं और फिर उन्हीं कार्यों के लिए प्रशासन को सम्मानित करते नजर आते हैं। हाँ, जब ये रास्ते को जो कोर्ट से चौहट्टा से लेकर कोर्ट परिसर तक चक्का जो रास्ता है इसका जब निर्माण किया जा रहा था, इसको चौड़ा करने का जो काम किया जा रहा था, तो उस वक्त कुछ लोगों ने इसका विरोध जताया था कि इसके पीछे हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो एमर्सन हाउस की बिल्डिंग है उसको खतरा हो जाएगा, ये यहाँ से नहीं बननी चाहिए थी, ये जो वहाँ स्वामी जी की मूर्ति लगी हुई है उसको उखाड़ा जा रहा है, ये भी गलत है। तो आज वो प्रशासन को इन्हीं कार्यों के लिए, इन्हीं जनहित के कार्यों के लिए वो लोग जो है वो सम्मानित कर रहे हैं। तो इनसे उनकी जो एक छवि है, उनकी सोच क्या है, उनका किस तरह का एक विरोधाभासी जो है आचरण है, वो एक सामने जो है वो निकल के आता है कि जहाँ प्रशासन ने अच्छा किया होगा वहाँ प्रशासन को अच्छा ही कहेंगे। हमारा हमेशा प्रशासन के साथ सहयोग रहेगा जहाँ प्रशासन जनहित में कार्य करेगा, जहाँ प्रशासन लोगों की सुविधा का ध्यान नहीं रखेगा। अब आप बताइए, मेला पड्डल में चल रहा है, आपने शहर में 10 बजे तक गाड़ियाँ बंद कर दी, मोती बाजार से चौटे वाला स्लॉट जो विक्टोरिया पुल तक का था इसको वन वे कर दिया, तो शहर तो सुनसान हो गया, रात में शहर तो ऐसा लगता है जैसे शमशान है। इसमें जो खबरों में हमने भी पढ़ा हुआ है कि हमने जिलाधीश महोदय का विरोध किया है, तो मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा विरोध तभी करता है अगर वो जनहित में नहीं है, और जनहित में जो मामला है उसकी हमें अनदेखी करनी पड़ती है। जैसे हमारे मंडी शहर में बहुत सी हेरिटेज बिल्डिंग है, चाहे वो विजय हाई स्कूल है, चाहे हमारा इमर्सन हाउस है, तो चाहे हमारा विक्टोरिया ब्रिज है, लेकिन यहाँ जनता को सुविधा है, तो जनता की सुविधा के लिए हम कभी भी किसी अधिकारी का या किसी सरकार का विरोध नहीं करते, क्योंकि जनता का जो लाभ होता है, जनता की जो सुविधा है वो सर्वोपरि होती है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहते हैं। अगर मान लिया जाए कि जैसे हम अगर इमर्सन हाउस को ही लें, अगर इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए और जो नियमावली को देखते हुए अगर हम इसका विरोध करते हैं तो जनता को मुश्किल होती है, और ऐसे भवन जो पुराने लकड़ी के बने हुए हैं और जिनकी सुरक्षा बिल्कुल है ही नहीं है, कल को यहाँ आगजनी होती है, जैसे हमारा अमरसन हाउस में इसमें कोर्ट लगता है और इसकी जो बिल्डिंग है सारी लकड़ी की बनी हुई है, और लकड़ी की बने होने के कारण इसका जो जितना भी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर असुरक्षित है। हरमीत सिंह का कहना है कि संघर्ष मोर्चा कई मामलों और जनहित के कामों पर अदालत से स्टे ले चुका है और फिर दूसरी ओर उसी प्रशासन को सम्मानित करने से भी गुरेज नहीं करता। उन्होंने इंदिरा मार्केट की छत पर निर्माणाधीन शौचालय को उदाहरण के रूप में बताया कि उनके विरुद्ध खड़े होके कोर्ट तक में उनको प्रशासन को घसीटा, कोर्ट तक का दरवाजा उनको दिखाया और उन जनहित कार्यों को जो था वो अपने आचरण के अनुरूप जो था वो रोका, अपनी मानसिकता के अनुरूप जो है वो नहीं होने दिया और प्रशासन को करने से रोका उन कार्यों को, हालांकि वो कार्य जो थे वो जनहित में थे। जैसे इंदिरा मार्केट के ऊपर शौचालयों का निर्माण अगर हो रहा था तो उसमें प्रशासन को विश्वास में लेके, कॉन्फिडेंस में लेके उसको इस ढंग से बनाया जाता, उसमें थोड़ा सा अगर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश थी तो उसमें सुधार किया जा सकता था, लेकिन 1.5-2 साल से वो मामला कोर्ट में लटका हुआ है। सबसे बड़ी समस्या इंदिरा मार्केट जो ढांचा है इसके ऊपर बने हुए शौचालय नहीं है, सबसे बड़ी समस्या हमारी नगर परिषद है, क्योंकि नगर परिषद ने आज तक कोई काम जो है वो कभी भी जो हमारी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन से किया ही नहीं है, और हमारी खासकर हमारी जो PWD है उनका काम भी यही है, क्योंकि TCP एक्ट के मुताबिक जो है कोई निर्माण उनकी स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। और अगर नगर परिषद मंडी ने शौचालय बनाने के लिए यहाँ पर जो ईंटों की दीवारें खड़ी कर दी हैं तो क्या उन्होंने अनुमति ली थी, नहीं ली थी? ये काम मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने नहीं रोका है, ये काम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने रोका है।
लक्ष्मेंद्र गुलेरिया अधिकार मंच पर बरसते हुए बोले कि अधिकार मंच को पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक कोई भी असल मुद्दे नहीं उठाए हैं, जबकि संघर्ष मोर्चा समय समय पर जनहित के मुद्दे उठाता रहता है। किसी भी संगठन के ऊपर उसके ऊपर दोष लगाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इस नागरिक अधिकार मंच में कुछ व्यापार मंडल से संबंधित ऐसे भी लोग हैं जो व्यापार मंडल में भी एक अच्छा पद रखते हैं, और जो व्यापार मंडल सन 1984 के बाद जहां कभी चुनाव हुआ ही नहीं है, जिसकी सदस्यता एक भी दुकानदार के पास नहीं है, तो उस नागरिक अधिकार मंच के सदस्य मंडी व्यापार मंडल के सदस्य भी हैं, तो पहले ही अपने गिरेबान में झांके, पहले उस व्यापार मंडल का सुधारीकरण करें, व्यापारियों के हित में आए। व्यापारी बहुत समस्या में है, आज 5 व्यापारी मंडी में डेथ बेड के ऊपर है, कोई किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को पैरालिसिस का अटैक है, तो क्या ये हमारे व्यापार मंडल के सदस्य जो नागरिक अधिकार मंच में भी हैं, तो क्या ये आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मिले हैं? क्या इन्होंने जो पीड़ित हमारे दुकानदार भाई हैं जो डेथ बेड के ऊपर हैं, क्या उनको इन्होंने कोई सुविधा मुहैया करवाई है? लेकिन मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने करवाई है। मंडी नागरिक अधिकार मंच उस वक्त कहां था जब मंडी में 20 दिन तक लाइटें बुझ गई थी, या मंडी में आज 6 दिन का सिर्फ नाच गाने के लिए शेरी मंच का प्रयोग करना ही उनका जो शौक है या उनका जो इंटरेस्ट नहीं है? आज मंडी का जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारी सीवरेज की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। जगह जगह गलियों में आज सीवरेज लीक हो रही है, वो समस्या है। मंडी में हमारे जो भी सीवरेज के लिए जो 50% जो हमारे कुल पानी के किराए का लिया जाता है, वो समस्या है। उसके बाद मंडी में जितना तार का जाल जो बिछा हुआ है, वो मंडी के लिए समस्या है। आज खास करके आजकल जो मंडी में बिजली के नए मीटर जो लगाए जा रहे हैं, वो मंडी किसी शहर की जनता के लिए समस्या है। नागरिक अधिकार मंच इन समस्याओं को लेकर के अगर आगे आता है, तो मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा नागरिक अधिकार मंच को भी सम्मानित करेगा। जी, तो सुना आपने, मंडी के नागरिकों और आम लोगों की समस्या उठाने के लिए पैदा हुए ये दोनों संगठन आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। हम तो बस यही चाहेंगे कि सभी लोग अनेकता में एकता वाली कहावत को अपने जहन में रखें, और यह भी याद रखें कि एकता में ही बल होता है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपसी खींचतान के चक्कर में दोनों संगठन अपना असल मुद्दा ही भूल जाएं। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ मुकेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व PAT की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहां बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTAT, JBT TAT, HP TAT आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज कोचिंग डिवीजन पडल मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं अल्मोनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह अल्मोनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं अल्मोनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल्स व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया,
शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेडनेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर पीपी सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, टीएमटी, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट। भीड़भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहाँ 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुंमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। हाईली क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, हार्डवर्किंग और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का स्टाफ स्टूडेंट्स को देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। खुद परखें हमारे दावों को। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जर्ल कॉलोनी, पंडोह, डिस्ट्रिक्ट मंडी। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हाँ, मंडी के पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इम्पोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहाँ उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल, पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने, मंडी। शिवरात्रि मेला के उपलक्ष्य पर घरेलू उत्पादों की निर्माता कंपनियां सनफ्लेम और प्रेस्टीज पर मिल रहा है 30% तक का डिस्काउंट। यही नहीं, सनफ्लेम का गैस चूल्हा लेने के लिए दें कोई भी पुराना गैस चूल्हा और पाएं 3000 तक की छूट। आज ही पहुंचे जोगेंद्र पाल तिलक राज बर्तन भंडार नागचला में। जी हाँ, वही नागचला का मशहूर बर्तन स्टोर, जिन्होंने लगाया है मेला ग्राउंड में अपना स्टॉल। याद रहे, नागचला बर्तन स्टोर, शिवरात्रि मेला ग्राउंड, पटल, मंडी। सोलन में SIU की टीम ने शिमला से चंडीगढ़ जा रही पंजाब रोडवेज की सरकारी बस से एक युवक को 474 ग्राम चरस के सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार SIU टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर शिमला से चंडीगढ़ आने वाली बसों की तलाशी के दौरान पंजाब रोडवेज की बस PB55L5921 में सवार 21 वर्षीय यूपी के युवक से चरस बरामद की है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष SIU की टीम द्वारा 30 किलो चरस पकड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत 18 मुकदमे बने थे और 20 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। पकड़े गए पेडलर्स ज्यादातर युवा हैं और आज भी पकड़ा गया पेडलर युवा ही है, जिसकी उम्र 21 वर्ष है। यह इस बात की तस्दीक करता है कि युवा पैसा कमाने का शॉर्टकट चरस तस्करी को मान रहे हैं, लेकिन पकड़े जाने पर उनकी आंखें तब खुलती हैं जब उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। चंबा घाट के पास जब जिला सोलन की SIU टीम चेकिंग कर रही थी, तो उन्होंने शिमला चंडीगढ़ बस की तलाशी ली, जिसमें जौनपुर यूपी के 21 वर्षीय गुड्डू शर्मा से 474 ग्राम चरस बरामद हुई है। NDPS के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उसकी तफ्तीश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक रमेश छाजटा यहां जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि उनकी टीम चरस तस्करों को पकड़ने में निरंतर सफलता हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि सोलन के पड़ोसी जिलों से होने वाली तस्करी पर वह पैनी नजर रखे हैं और वह इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। छाजटा ने कहा कि पकड़े गए युवा पर NDPS एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।